गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज दशा माता की पूजन है तो थोड़ा जल्दी उठना पड़ा और गुड मॉर्निंग भी जल्दी हो गया, तो नहा धो के पूजा वूजा की सामग्री जमाती हूँ और फिर शेयर करती हूँ आज का ब्लॉग आपके साथ में। पक्षियों की चहचहाहट शुरू हो गई है, कितना प्यारा लगता है सवेरे का माहौल। नहा कर मैं रसोई में आ गई हूँ और यहाँ पे मैंने लिया है थोड़ा आटा। फ्रेंड्स, ये दशा माता का जो उपवास रहता है इसमें पीपल की पूजा की जाती है और पीपल की पूजा करने के लिए उसमें जो पूजन सामग्री होती है दशा माता की, उसमें आटे के दिया, जेवर, खिलौने, एक डिब्बा जिसमें पीपल की छाल रख के लाया जाता है, ऐसे सब कुछ आटे से बनाए जाते हैं और वो सोने के जैसे लगे पीले, इसलिए उस आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाई जाती है और वो हल्दी मिला के उस आटे को गूंदा जाता है और फिर उसी से सारे जेवर वगैरह सब तैयार किए जाते हैं, उसको सजाया जाता है और वो ऐसे लगते हैं जैसे सोने के हैं और वो सोने के जेवर वगैरह समझ के दशा माता को अर्पण किया जाता है ताकि दशा माता हमें भी उतनी सुख समृद्धि देवे। इसलिए इसी महत्व को बताते हुए यहाँ पे इस तरह के ये जेवर बनाए जाते हैं। ये जैसे मैंने बनाया है दिया, आटे का दिया है ये, और ऐसे दो दिए बनाने पड़ते हैं, एक पतवारी माता के लिए, एक दशा माता के लिए। और ये जो आपको दिख रहे हैं ना साइड में, ये है खिलौने, 5 पतवारी माता के लिए बनाए हैं, 10 दशा माता के लिए बनाए हैं और इसके अलावा एक डिब्बा बनाया जाता है। ये देखिए, ये मैं बता रही हूँ आपको दिया, ठीक है, और ये सारे ऐसे सोने के बने हुए हों ऐसे लगना चाहिए, इसलिए वो थोड़ा सा हल्दी डाल के उसमें किया जाता है ऐसा। और ये इसके अलावा एक ऐसा डिब्बा बनाया जाता है जिसमें मतलब पीपल की जो छाल रहती है वो पीपल की छाल थोड़ी सी निकाल के उस डिब्बे के अंदर रख के और फिर घर पे लाया जाता है और वो साल भर रखा जाता है अगले दशा माता के तक। और ये भी आटे से ही बनता है और यही मैं बना रही हूँ। और ये देखिए, ये कितना क्यूट लग रहा है, ये देखिए आप, ये देखिए ये डिब्बा और ये इसका ढक्कन कितना क्यूट लग रहा है ना। और ये जम गई है पूजा की थाली और इसमें मैंने वो जो आटे से बनाए थे वो सभी चीज़ें रखी है। ये है आटा और शक्कर का मिश्रण जिसको चींटियों के लिए डाला जाएगा, गुड़ है, दही है, कंकु है, मेहंदी है और मूली है और जल का लोटा है। और ये सारे जो जेवर मैंने बनाए थे वो सारे जेवर और खिलौने और आटे के दिए ये सब मैंने इसमें रख दिए हैं। और अभी मुझे इसमें गेहूँ, सुपारी, फूल, फल ये रखना है, ये मैं बाहर जाते हुए जब निकलूँगी तब ये सब इसमें रख दूँगी। यहाँ पे मैंने ये जो जेवर बनाए हैं ये मैंने बहुत सादगी से बनाए हैं। राजस्थान में जेवर जब बनाते हैं तो ये इन जेवर को बहुत ही सजाते हैं, वहाँ पे सभी लोग ये सभी लेडीज़ ये उपवास करती है और जब पूजा करने जाती है तो सवेरे 3 बजे से ही पूजा चालू हो जाती है। सभी ग्रुप में जाती है तो मतलब एक उत्साह सा रहता है और सभी अच्छे, बहुत अच्छे कपड़े, जेवर वगैरह सब पहन के जाती है। और यहाँ महाराष्ट्र में इस पूजा को कोई भी नहीं करता है तो मैंने बहुत सादगी से सारा पूजा सामग्री जमाई है और बहुत सादगी से ये पूजा मैं करके आऊँगी। और ये जेवर भी मैंने बहुत सादे तरह से बनाए हैं और बस ऐसे ही मैं बहुत सादगी से जाके पूजा करके आऊँगी। और नेचुरल अगर वहाँ रहते हैं तो एक उत्साह रहता है क्योंकि सभी लोग मिलके पूजा कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है और बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा करने की कोशिश करते हैं। पर यहाँ पर मैंने बहुत सादगी से किया है पर अच्छे और सच्चे मन से पूजा करके आऊँगी। बस यही मेरा प्रार्थना है कि सभी दशा माता सभी को सुख और सौभाग्य देवे और बरकत देवे, बस यही प्रार्थना के साथ में मैं पूजा करके आऊँगी। तो मैं पूजा के लिए रेडी हो गई हूँ और अच्छा खासा दिन निकल आया है और दुकानें भी सारी खुल गई हैं तो थोड़ा बहुत जो पूजा का सामान बच गया था वो लूँगी और फिर पीपल की पूजा करने के लिए जाऊँगी।
निकलती हूँ मैं पूजा करने के लिए। और ये आ गई मैं पीपल की पूजा करने के लिए। बोलते हैं ना कि दिल सच्चा तो सब अच्छा होता है। मुझे राजस्थान में मेरी सिटी के कुछ लोग बाग मिल गए तो पूजा बहुत अच्छे से हुई, और नहीं तो ऐसा लगता है कि मैं अकेली पूजा कर रही होती हूँ, तो थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है हर बार। पर इस बार मुझे कुछ लोग मिल गए। फिर उसके बाद मैं होली की पूजा करी, और फिर घर आके ये स्वास्तिक बनाए जाते हैं दरवाजे पर, एक मेहंदी का बनाया जाता है और एक कलरी का बनाया जाता है। बहुत अच्छे से पूजा हो गई, और आने के बाद में मैंने फिर कपड़े वपड़े सब बदल लिए, और इसके बाद में दशा माता की पूजा के बाद में इसकी वार्ता का बहुत महत्व रहता है। जो कहानियाँ सुनाई जाती हैं उसका बहुत महत्व रहता है। वैसे तो होली के दिन से ही, मतलब होली के अगले दिन से ही कहानियाँ शुरू हो जाती है, और होली के 10 दिन तक लेडीज़ वगैरह इकट्ठी होती है और कहानियाँ बोलती है। और होली के जो 10वें दिन दशा माता का व्रत आता है, उस दिन पीपल की पूजा करने के बाद में, फिर कथाएं सुनने के बाद में ये पूरा उत्सव का समापन हो जाता है। और इसमें जो ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, ये सूत का जो धागा रहता है, बेल बोलते हैं इसको, इसका इस व्रत में, इस उत्सव में बहुत ही ज़्यादा महत्व है। तो आ गई मैं किचन में खाना बनाने के लिए। आज के प्रसाद में राजस्थान की फेमस जो लापसी है वो बनती है, उसके साथ में बिना नमक के चावल बनते हैं, और सब्जी में आज बनती है कढ़ी, और उसके अलावा अगर हरी सब्जी कुछ बनाना चाहे तो वो देखिए। सबसे पहले लापसी बनाने के बहुत अलग अलग तरीके हैं। कोई लोग दलिये को सेकते हैं पहले, सेकने के बाद में उसको कढ़ाई या कुकर में उसको बॉईल करते हैं दलिये को, और उसके बाद में गुड़ का पानी मिलाते हैं। मुझे लगता है कि अगर आसान तरीका कुछ हो तो उसको मुश्किल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मुझे ये तरीका आसान लगता है, इसलिए मैं इस तरह से करती हूँ। तो ये मैंने एक कटोरी लिया है दलिया, और उस दलिये में मैंने कम से कम 3 कटोरी डाला है पानी, यानी 3 गुना। और मैंने ये लिए हैं 1.5 कटोरी चावल, और उसके अंदर मैंने डाला है 3 कटोरी पानी, यानी कि 2 गुना पानी। और ये बासमती है तो मैं थोड़ा सा कम ज़्यादा होता है तो बाद में डाल दूँगी। इसके बाद में मैंने कुकर के अंदर पानी भर दिया है, थोड़ा सा पानी भरा है तले में, और फिर ये प्लेट उसके अंदर रख रही हूँ। अब ये दलिया, इसमें 3 गुना पानी है, 1 कटोरी दलिया और 3 कटोरी पानी, और ये चावल इसमें 2 गुना पानी है, 1.5 कटोरी चावल में 3 कटोरी, यानी कि उसका डबल पानी। अब ये स्टीम से आराम से बन जाएंगे, कुकर में ढक देती हूँ चावल और गैस पे। और लापसी के लिए दलिया, ये दोनों ही इसमें एक साथ में बन जाएंगे, बहुत कम समय में बन जाएंगे, गैस की भी बचत होगी और समय की भी बचत होगी। अब साथ के साथ में इस पे गुड़ का पानी रख रही हूँ, जो लापसी के लिए काम लगेगा। गुड़ आपको अंदाजे से लेना पड़ेगा, आपको कितना मीठा पसंद है, कम मीठा खाते हैं या ज़्यादा मीठा खाते हैं, आपको उस हिसाब से लेना पड़ेगा। हम लोग लापसी में थोड़ा ज़्यादा मीठा खाते हैं, ये देशी गुड़ है, एकदम काला वाला, ये आयुर्वेद के हिसाब से और हेल्थ के लिए भी ये बहुत अच्छा है, तो हो सके तो देशी गुड़ ही काम में लीजिए। सफ़ेद गुड़ काम में नहीं ले तो ज़्यादा अच्छी बात है, तो मैं ये देशी गुड़ डाल रही हूँ। हम लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही डालूँगी, क्योंकि लापसी मीठी नहीं होगी तो मज़ा नहीं आएगा। ये ऐसे कम से कम 6-7 पीस मैंने डाल दिए हैं इसके अंदर, और इसमें कम से कम मैं 1 गिलास पानी डाल रही हूँ, 1 गिलास से थोड़ा कम डाल रही हूँ। अगर उसके बाद में भी लापसी में अगर ऐसा लगा कि मीठा कम है या उसमें उसका कलर नहीं आ रहा है, तो फिर हम ऊपर से थोड़ा सा गुड़ और डाल देंगे। तो इसको भी मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ, जब तक ये बनेगा तब तक ये पानी भी, गुड़ का पानी भी बन जाएगा। लापसी पानी
इसको तो मैं बंद कर रही हूँ। और ये चावल और लापसी एक थोड़ी सी देर में बन जाएगा, उतने हम लोग। और ये चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई कड़ी बनाने के लिए, और इसके अंदर एक बड़ा चम्मच भर के डाला है घी, देसी घी, क्योंकि राजस्थान में जो कड़ी बनाई जाती है वो देसी घी में ही बनाई जाती है, तेल में नहीं बनाई जाती है। और इसके अलावा मैंने बेसन और दही मिक्स करके पानी डाल के उसमें अच्छे से फेंट लिया उसको, और उसके अंदर हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर तीनों डाल दिए हैं और कड़ी के लिए एक परफेक्ट गोल तैयार कर लिया है। और ये घी गर्म हो गया है और अब मैं इसमें छौंक डालने के लिए डाल रही हूँ हींग पाउडर और जीरा और राई, ये तीनों ही मैं इसमें छौंक के लिए डाल रही हूँ। और ये मैंने डाला है और ये चटकने लग गया है, और ये अच्छे से चटक गया है। तो फिर मैंने इसके बाद में डाला है साबुत लाल मिर्ची और कड़ी पत्ता, और मैंने गैस कर दिया है बंद। इसके अलावा गैस मैंने इसलिए बंद किया क्योंकि जब ये हम लोग डालते हैं तो कभी कभी ये छींटे बहुत ज़्यादा उछलते हैं, कभी कभी आग भी पकड़ता है, तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। और आप कैसे करते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ऐसा करने से छींटे ज़्यादा नहीं उछलते हैं। और इसमें मुझे हरी मिर्ची और लहसुन भी बहुत अच्छा लगता है, पर लहसुन नैवेद्य का है तो मैं इसमें आज लहसुन नहीं डाल पाऊँगी, और हरी मिर्ची आज मेरे पास में थी नहीं। बस अब इसको चलाते रहना पड़ेगा जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाए, और उबाल नहीं आए तब तक अगर चलाना छोड़ देते हैं तो फिर ये कड़ी फटने लग जाती है और फिर देखने में उतनी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए इसका उबाल आता है तब तक इसको चलाते रहेंगे तो कड़ी बहुत अच्छी बनेगी। इसलिए मैं इसको उबाल आने तक चलाऊंगी थोड़ा। मुझे ये थोड़ी गाढ़ी लग रही है और मुझे इसमें लग रही है पानी की थोड़ी ज़रूरत, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी डाल रही हूँ, नहीं तो ये एकदम गाढ़ी बन जाएगी तो वो भी अच्छा नहीं लगेगा। कड़ी ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर दिया है और बस इसको थोड़ा लगातार चलाते रहना पड़ेगा। पहले मिट्टी के चूल्हे पे बनाई जाती थी राजस्थान में कड़ी, और मिट्टी के बर्तन में बनाई जाती थी, उसका स्वाद कुछ अलग ही होता था जब हम नानी दादी के ज़माने में खाया करते थे। और अब जब कड़ी को ये चला रहे होते हैं और तो चम्मच से जो हिलाने में जो आवाज़ आती है वो आवाज़ ही थोड़ी चेंज हो जाती है, और बस ये इसकी पहचान होती है कि इसकी आवाज़ चेंज हो जाती है चम्मच की, तो समझ लेते हैं कि कड़ी पक गई है। और जब ये पकने लगे और लगे कि हाँ अभी इससे ज़्यादा ये और गाढ़ी नहीं होएगी, तो उसके बाद में इसमें नमक डालना चाहिए ताकि नमक बराबर मात्रा में पड़े। ये देखिए कड़ी, चावल एक एक दाना कैसा खिल गया है देखिए। और ये लापसी के लिए दलिया, इसी से हमें लापसी बनानी है। और ये खाना मैं बना रही हूँ तीन लोगों के लिए, तो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बना रही हूँ क्योंकि रोटी भी बनेगी इसके साथ में। देखिए कढ़ी और चावल तो दोनों बन गए हैं, अब मैं बना रही हूँ लापसी। लापसी के लिए मैंने कढ़ाई ले ली है मीडियम साइज के लिए, और अभी मैं जलाती हूँ गैस। इसके अंदर मैं गाय का घी डाल रही हूँ, देसी घी है गाय का। तीन बड़े चम्मच मैंने इसमें घी डाला है, अगर और लगता है तो बाद में और डाल देंगे। इसके अलावा मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के थोड़े टुकड़े करके रख दिए हैं, और ये थोड़ी किशमिश ले ली है, इलायची का पाउडर पीस लिया है थोड़ा सा, शक्कर डाल के, वो इलायची के दाने पीसते नहीं है ना, शक्कर डाल देते हैं तो थोड़ा सा पिस जाते हैं। ये हो गया इसका, घी मैंने डाल दिया है। अभी मैं इसके लिए जो दलिया पकाया था वो दलिया इसमें डाल दी हूँ, घी थोड़ा गर्म हो गया है।
इसकी फ्लेम को थोड़ा सा कम कर दूंगी ताकि ये नीचे चिपके ना, जैसे घी है इसलिए चिपकेगा नहीं इसका। दलिया थोड़ा मोटा होता है तो लापसी थोड़ी खिल जाती है, अगर दलिया थोड़ा बारीक है तो उतनी ज़्यादा नहीं खिलती है, बस बन जाती। ये थोड़ी देर में इसमें सिकने दे रही हूँ। गुड़ का पानी मेरे पास पहले से तैयार पड़ा है, वो मैं इसमें छान दूँगी। अगर ऐसा लगा कि गुड़ कम हो रहा है या मीठा कम हो रहा है, उसके कलर से पता चल जाएगा। अगर कम हो रहा होगा मीठा तो फिर और गुड़ ऊपर से डालना पड़ेगा। तो ये मैं गुड़ का पानी डाल रही हूँ इसमें, इसमें जो सूखा हुआ दलिया है वो भी इसमें मिक्स कर देती हूँ। देखने तो लग रहा है अंदाजा बराबर आए हैं, कम नहीं पड़ेगा। कलर देख के तो लग रहा है कि गुड़ बराबर है उसमें और घी भी बराबर है। और ये मैं शक्कर के साथ में, चीनी के साथ में पिसी हुई इलायची इसमें डाल दी हूँ ताकि इसमें खुशबू आ जाए। ये मैंने इसके अंदर डाल दी है और इलायची की खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इलायची की। बस ये घी के अंदर थोड़ा सा इसको, हल्का सा इसको सेकने के बाद में मैंने गुड़ का पानी इसके अंदर डाल दिया है और इसको तब तक पकने देना है जब तक ये घी नहीं छोड़ दे। तो तब तक मैं इसको, इसका फ्लेम एकदम सिम पे करके, ये देखिए लगभग ये पानी चूसने लगा है, दाना भी दिख रहा है इसमें और घी छूट गया है इसका। थोड़ा पानी और चूस लेने के बाद में ये बिल्कुल खिल जाएगी, जैसे ठंडी होएगी ना वैसे ये खिल जाएगी। थोड़ी देर में इसका पानी पूरा सूख जाएगा, घी इसमें छूटने लगा है। फिर आप इसको सर्व करते टाइम में इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैंने किशमिश इसमें पहले ही डाल दी है। और ये देखिए ये लापसी बनके तैयार हो गई है और मैंने इसे निकाल लिया है कढ़ाई में से और देखने में ये बहुत अच्छी लग रही है। दाना भी इसका खिला हुआ लग रहा है और कलर भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें घी और गुड़ दोनों बराबर दिख रहे हैं और इसके ऊपर मैंने ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं और दाना खिला हुआ है और खाने में तो ये लाजवाब लग रही है। अब ऐसे तो मैं आपको इसका टेस्ट आपको नहीं यहाँ से पता चल सकता है, पर हाँ इसको मैं आपको पता नहीं मैं कैमरे में भी अच्छे से दिखा पा रही हूँ या नहीं दिखा पा रही हूँ, पर ऐसे देखने में ये बहुत ही लाजवाब और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। और बन गई हमारी लापसी तैयार। ये हो गई नैवेद्य की तैयारी। इसमें मैंने गाय का एक उपला लिया है, उसे आग में जलाने के बाद में जब वो उपला जल जाता है तो उसके अंदर नैवेद्य चढ़ाया है, लापसी चावल घी गुड़ ये सब चढ़ाना पड़ता है। हिंदू शास्त्रों में कहा गया है ना कि आग के अंदर जो भी नैवेद्य चढ़ाते हैं वो सीधा देवी देवताओं के पास में पहुँचता है, इसीलिए हम हवन में भी जो भी सामग्री डालते हैं, बोलते हैं ना जो भी सामग्री डालते हैं वो देवी देवताओं तक पहुँचती है। ऐसे तो थाली जमा के प्रसाद भगवान को चढ़ाया ही जाता है, पर ऐसे नैवेद्य आग के अंदर चढ़ाने से भगवान देवी देवता तक वो पहुंचता है, ऐसी मान्यता है हिंदू समाज में। तो ये उपला जलाकर मैंने सारा नैवेद्य उसके अंदर भगवान के लिए समर्पित किया है, चढ़ाया है। तो ये हो गया आज का महाप्रसाद। अब थाली में तो आप कुछ भी रख सकते हैं, साथ में सलाद रख सकते हैं, अचार रख सकते हैं,
हरी सब्जी और कुछ रख सकते हैं, पर आज नैवेद्य में वैसे देखा जाए तो सिर्फ यही चढ़ता है और यही प्रसाद के रूप में खाया भी जाता है। अब देखिए इसमें जो रोटी बनती है आज के दिन, वो भी सादी रोटी नहीं होती, ये इस तरह का होता है, दुप्पड़ बोलते हैं इसको, जब ये बनता है ये इस तरह का होता है, परत उतर जाती है इसकी, इसको दुप्पड़ बोलते हैं, ये होता है। इसकी रेसिपी मैंने आज शेयर नहीं करी, मैं और कभी इसकी रेसिपी आपको शेयर करूँगी। पतले पतले होते हैं, एक साथ दो दो बनते हैं और इनको दुप्पड़ बोलते हैं, खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। इसकी रेसिपी मैं आपको और कभी शेयर करूँगी। राजस्थान में होली के 10वें दिन मनाए जाने वाला दशा माता का त्यौहार, मैंने आज के वीडियो में उसमें जो पूजन सामग्री लगती है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करी। उसके अलावा इसमें जो नैवेद्य चढ़ाया जाता है, कढ़ी लापसी चावल, मैंने उसकी रेसिपी शेयर करने की पूरी कोशिश करी है। आप किस तरह से अगर दशा माता का उपवास व्रत करते हैं, राजस्थान में रहते हैं, तो आप किस तरह से आपकी रेसिपी तैयार करते हैं, नैवेद्य तैयार करते हैं, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मैंने जिस तरह से तैयार किया है, क्या आपको वो अच्छा लगा, उसके बारे में भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो तो उसे सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चैनल के वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और इससे मुझे अच्छे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। और वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और देखते रहिए बीइंग डीएनबी। थैंक यू सो मच।